शो दोस्तों, आप जो भी इंटरनेट को यूज करते हो, मतलब दोस्तों जो भी सिम कार्ड को यूज करके आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, वो चाहे वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो, जियो हो, बीएसएनएल हो, सभी नेटवर्क में कुछ ना कुछ गलती तो होती ही है और इंटरनेट एक्सेस करने में कुछ ना कुछ दिक्कत तो होते ही रहते हैं और उसके लिए बहुत सारा कंप्लेन भी आप करते हो 1-to-1 कॉल सेंटर पे जाकर। लेकिन दोस्तों इस महीने से ही सब कुछ कंपनी, मतलब स्पेशली वोडाफोन आइडिया यानी कि वी ग्रुप, एयरटेल एंड जियो, इस तीनों कंपनी ने मिलके उसका जो सारा इंटरनेट का बैंड विड्थ है एक साथ मार्च कर लिया है और उधर दोस्तों आपको मिलेगा अप टू 100 Mbps इंटरनेट का स्पीड और उसी के तहत कोई भी कंप्लेन आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा और दोस्तों आपका मन भी नहीं कहेगा कि मैं कंप्लेन करूं क्यों मेरा इंटरनेट स्पीड इतना स्लो हो गया है। दोस्तों इसका ही नाम है कैरियर एग्रीगेशन। हाँ दोस्तों, कैरियर एग्रीगेशन स्पेशली एक बैंडविड्थ सिस्टम है जो डबल या ट्रिपल बैंडविड्थ में काम करते हैं और दोस्तों यही सारा कंपनी कैरियर एग्रीगेशन सिस्टम को ऑन कर दिया है जो अभी फिलहाल ऑफ वो पड़े हुए थे, वही कैरियर एग्रीगेशन अभी ऑन हुआ है और दोस्तों आपको मिलेगा अप टू 100 Mbps डेटा स्पीड। लेकिन दोस्तों ये कैरियर एग्रीगेशन क्या है, आपका मोबाइल कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं और आपके एरिया में कैरियर एग्रीगेशन बिल्कुल ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको सब कुछ एक साथ सब कुछ प्रोसीड्योर एक एक करके जानना है तो ये वीडियो जरूर आपको आखिर तक देखना ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामदीप, हमेशा की तरह दीप टेक टॉक यूट्यूब चैनल का और एक बिल्कुल फ्रेश नया एंड एवर एक्साइटिंग एपिसोड में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही आपको घर बैठे हर दिन मुफ्त मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज कुछ हटके जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, इस तीनों कंपनी ने मिलके एक आर्टिकल हमारे सामने पेश किया है, जो आर्टिकल मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और वो आर्टिकल सुन के ही आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा कि कैरियर एग्रीगेशन क्या है और दोस्तों बाद में जाके इस जो सर मेरा अभी नोट हुआ है मेरा खाता में वो मैं आपको तो जरूर बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में। तो सुन लीजिए क्या अभी आर्टिकल आया है। दोस्तों कैरियर एग्रीगेशन आ फीचर ऑफ LTE एडवांस एनेबल्स टेलीकॉम ऑपरेटर एंड डिवाइसेस टू कंबाइन टू और मोर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कैरियर इनटू अ सिंगल डेटा चैनल। द CA enables telecom operator to enhance the capacity of the data rates and the entire network by capitalizing on fragment spectrum allocation. The operator can apply the LTE advanced feature either on their LTE frequency division duplicating variant or on the time division duplicating variant with up to 5 component carriers. It has been said that the 5 component carrier can deliver up to 100 megahertz of the total transmission bandwidth for a telecom operator. मतलब दोस्तों एक carrier aggregation आपके area में हो जाए तो up to 100 Mbps speed तो आपको मिलेगा ही और दोस्तों इस carrier aggregation मतलब जो सारा bandwidth है specially 2 होता है, specially आपके area में 2 ही होता है और बहुत कुछ जगह पे सिटी एरिया मानो तो उधर ट्रिपल, फिफ्थ, फोर्थ ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों आप सिटी से बिलोंग करते हो तो 5 बैंडविड्थ जरूर है, आप विलेज से बिलोंग करते हो तो 2 बैंडविड्थ तो जरूर है और एक बैंडविड्थ में बहुत सारा स्पीड देते हैं एक बैंडविड्थ खराब होने के बाद। मतलब दोस्तों एक ही बैंडविड्थ में आप देखते हैं ना कि कंप्लेन करने के बाद थोड़ा दिन के बाद इंटरनेट स्पीड बहुत आसान हो जाते हैं। मतलब दोस्तों जो एक बैंड फ्री हुए, जो फ्री रहते हैं वो फ्री बैंड को ही आसानी से काम पे लेके वो ही इंटरनेट स्पीड को बढ़ा देते हैं और दोस्तों इस महीने से ही सारे कैरियर एग्रीगेशन ऑन हो जाएगा। और दोस्तों कैरियर एग्रीगेशन आपके एरिया में ऑन हुआ है कि नहीं है और आपका फोन सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं वो भी आपको तो देखना चाहिए ना। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना है अपना गूगल प्ले स्टोर में या अपना जो आप एप्पल का फोन यूज करते हो तो एप्पल का स्टोर में जाना होगा और उधर ही आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है नेट मॉन्स्टर ऐप। हाँ दोस्तों, नेट मॉन्स्टर ऐप आप इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद ओपन कर लोगे तो उधर दोस्तों आप आसानी से जान पाओगे क्या आप कौन सा नेटवर्क में अभी हो, मतलब आप जियो को यूज कर रहे हो, वोडाफोन को, आइडिया को, जो भी हो, आप क्या कुछ नेटवर्क अभी फिलहाल यूज कर रहे हो और उसके साथ साथ कितना मेगा हर्ज वाला बैंड आपके आपका फोन सपोर्ट कर रहे हैं और कितना मेगा हर्ज वाला बैंड आपके एरिया में मौजूद है और उसी के साथ साथ आप जान पाओगे कि कैरियर एग्रीगेशन आपका
फोन मतलब आपका जो भी फोन है वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको इधर बता देना चाहूंगा, आपका आपका फोन 10,000 से ऊपर है मतलब आपका फोन एसुस का है, सैमसंग का है, ऐसा बहुत सारा ब्रांडेड कंपनी का फोन है, साउमी का है, तो बैंडविड्थ तो सपोर्ट करना ही चाहिए और कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करना ही चाहिए। तो आपका फोन कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको जानने के लिए नेट मॉन्स्टर ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उधर ही जाके आपको आसानी से मिल पाएगा कि आपका कैरियर सर्विस ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। और दोस्तों आपके एरिया में कैरियर एग्रीगेशन सर्विस है तो मेरे को मेंशन करके जरूर बता देना। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा देना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड वंदे मातरम।